अभी जेल जाने के बाद एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस चीज़ का डर आपको? मेरे को डर नहीं है, मेरे को बात यह है कि जिस प्रकार का षड्यंत्र भाजपा रच रही है, जब से मेरी टिकट अनाउंस हुई है, पहले तो मनोहर लाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन से कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, ऐसा भी मनोहर लाल जी को क्या डर है कि 31 साल के नौजवान के सामने इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, 6 साल पुराने मुकदमे के उठाकर ले आए, और वो जो मुकदमा है गलत तरीके से वो दर्ज किया गया है। लेकिन मैं तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिसमें मैं उच्च न्यायालय में भी गया और उसके बाद पंचकुला कोर्ट में भी गया, मुझे वहाँ से राहत मिली। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर ना सके, चाहे खट्टर जी हो या कोई। बाउंड्री लगाने की भी बात कर रहे हैं कि इस बार बाउंड्री लगेगी। देखिए, मैं आज से पहले 3 चुनाव लड़ा हूँ, और मेरे साथियों के सहयोग से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और मेरी ईश्वर की कृपा से मैंने जिंदगी में 3 चुनाव लड़े हैं और तीनों जीते हैं। और जो समर्थन लोगों का मिल रहा है, जो प्यार मेरे बुजुर्गों का मिल रहा है, जो सहयोग मेरे हम उम्र साथियों का मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल की सीट से आएंगे, और इस बार हम लोग चौथा चुनाव जीतकर बाउंड्री लगाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री क्यों मनोहर लाल जी को टिकट देकर पार्टी ने ठीक किया, या आपके लिए ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि मनोहर लाल जी को टिकट देकर कहीं ना कहीं करनाल की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। जिन्होंने 9.5 साल इस प्रदेश के साथ विश्वासघात किया, और जो विश्वासघात के ऊपर मोहर लगाने का काम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर किया है, आज एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को करनाल की जनता के बीच में भेजकर भाजपा को क्या लगता है कि लोग अब रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता कि करनाल की जनता अब दोबारा उन्हें मौका देगी। कल मनोहर लाल जी एक भाषण दे रहे थे, उसमें जिक्र ये कर रहे थे अपराधी, दोषी और भगोड़ों को टिकट दे दिया, जनता को समझना चाहिए अब किसकी ओर जाना चाहिए। मनोहर लाल जी से बड़ा दोषी इस प्रदेश में कौन है? जिस करनाल की जनता ने, जिस पानीपत की जनता ने उन्हें इतना प्यार स्नेह दिया, सराखों पर बिठा के रखा, 9.5 साल इतने प्यार का, इतने आशीर्वाद का क्या सिला दिया? सिले के रूप में लाठियां डंडियां दी, सिले के रूप में भ्रष्टाचार दिया, सिले के रूप में जन विरोधी पोर्टल दिए, सिले के रूप में भ्रष्टाचार दिया। आज वो मुझे भगोड़ा कह रहे हैं, मुझे तो अदालत से जमानत मिल गई है। मैं तो कहता हूं मनोहर लाल जी, अब जनता की अदालत में फैसला हो जाए, आप आइए। जिन सवालों से आप लगातार भाग रहे हैं, मैं 7.5 साल से मनोहर लाल जी से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन लगातार मेरे सवालों से भाग रहे हैं। असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जगह, स्थान, समय आप तय कीजिए। 9.5 साल अगर पानीपत के लिए, करनाल के लिए आपने कुछ किया है, उपलब्धियां आप लेकर आइए, और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा जनता की अदालत में मैं लेके आऊँगा। अब जनता फैसला करेगी कि करनाल के अंदर स्वाभिमानी के साथ खड़ा होना है, या अहंकार के घोड़े पर सवार होकर जिसने प्रदेश को गर्त में डाल दिया, उसका यहाँ से विरोध करना है। दो बड़े कारण, करनाल की जनता आपको क्यों चुने? देखिए, आज सबसे बड़ा कारण है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस चुनाव के अंदर एक तरफ अहंकारी व्यक्ति है जिसको 9.5 साल यहाँ से इतना स्नेह प्यार मिला जो मुख्यमंत्री पद पर रहे, 9.5 साल वो चाहते तो इस इलाके का और पूरे प्रदेश का ना जाने कितना विकास कर सकते थे। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि 9.5 साल में करनाल पार्लियामेंट के अंदर मनोहर लाल जी ने ऐसे कौन से कार्य किए? पूरे प्रदेश की जनता और करनाल की जनता और पानीपत की जनता इस बात की साक्षी है कि मनोहर लाल जी का 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा वो पूर्ण रूप से विफल रहा, और उसके ऊपर ठप्पा लगाने का काम इन्हीं की पार्टी के, बीजेपी के नेतृत्व ने किया है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि 9.5 साल एक फेलियर, फेल मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता कि एक फेल मुख्यमंत्री को करनाल की जनता दोबारा सांसद के रूप में स्वीकार करेगी। और एक तरफ एक 31 साल का साधारण सा नौजवान है जिसने छात्र राजनीति से शुरू होकर यहाँ तक अपना सफ़र तय किया, 3 बार मुझे
नेतृत्व करने का मौका लिया और बड़ी ईमानदारी से बड़े संघर्ष के साथ अपनी जो जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई उसको बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करने का काम किया। चाहे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना, उस समय भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने लड़ाई लड़ी, 7 दिन भूख हड़ताल पर बैठा। NSOI का प्रधान बना, मनोहर लाल जी से बेरोजगारी के मामले पर सवाल किए, जेल जाकर आया, मुकदमे दर्ज करवाए, अब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो हरियाणा के बेरोजगारों के लेकर चाहे मनोहर लाल जी का घर का घेराव करने का काम हो, चाहे HPSC HSSC दफ्तरों के बाहर धरने देने की बात हो, और चाहे जो गलत पॉलिसी सरकार बना रही है उसका समय समय पर विरोध करने का काम हो, तो फैसला इस बार लोगों ने करना है। और मैं तो आपका सवाल जनता के बीच में छोड़ता हूँ, अगर 9.5 साल मनोहर लाल जी ने पानीपत की जनता के अनुकूल काम किए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप मनोहर लाल जी को वोट दें। लेकिन अगर 9.5 साल आपको लगता है कि उन्होंने जन भावनाओं के खिलाफ काम किया तो ये आपका धर्म बनता है कि आप उनके खिलाफ वोट दें। आपके लिए चुनौती एक ये भी है कि पूरे गुट को आपने इकट्ठा करना है, चाहे वो शैलजा गुट की बात कर रहा हूँ, चाहे हुड्डा गुट की बात कर रहा हूँ, सारे आपके स्टेज पे आएंगे आपको जितवाने के लिए। देखिए, हमारे सभी सीनियर नेता सम्मानित नेता हैं, शैलजा जी सिरसा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनौती है जो आप कह रहे हैं, मैं उसको चुनौती नहीं मानता। मैं घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ, भाई संजय अग्रवाल जी भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, बाकी नेता भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, और जो घर का छोटा होता है वो सबका लाडला होता है, तो मैं लाड़ प्यार से सबको एक मंच पर लेके आऊँगा और सभी मजबूती से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करूँगा।